क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। पटना में डाक बंगला पर भारी पुलिस बल तैनात, सैकड़ों की संख्या में डाक बंगला पहुंचे शिक्षक अभ्यर्थी। रमजान पर मुस्लिम कर्मियों को बिहार सरकार का तोहफा, 1 घंटा पहले दफ्तर आने जाने की रहेगी छूट। पूर्व केंद्रीय मंत्री पहुंचे बिढ़ाना गांव, पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कई मुद्दों पर की चर्चा। सहरसा में हर घर नल योजना की हुई शुरुआत, गंदा पानी पीने को मजबूर हुए लोग, योजना देखी फेल। नालंदा में मकान की छत गिरने से 1 की मौत, परिवार के अन्य लोग बाल बाल बचे। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं बिहार की बड़ी खबरों की ओर, जहां पटना में पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए हैं। शिक्षक अभ्यर्थियों का महा आंदोलन शुरू हो गया है। डाक बंगला चौराहे पर शिक्षक अभ्यर्थी पहुंचे थे। ये शिक्षक 7वें चरण की नियुक्ति की मांग को लेकर अड़े हैं। वहीं भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की गई। पुलिस ने शिक्षक अभ्यर्थियों को डाक बंगला चौराहे पर रोका तो शिक्षक अभ्यर्थी वहीं बैठकर धरना प्रदर्शन करने लगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री हरनौत प्रखंड के बेढ़ना गांव पहुंचे। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह एक कार्यक्रम में आए और वहां पर कहा कि बिहार में सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं है, लगातार अपराध की घटना हो रही है, वो सत्ता और ज्ञान का केंद्र है, आते हैं सही है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बना लेकिन उसके बाद कोई निवेश नहीं हुआ, लोगों की जो मुख्य समस्या है रोजगार वो कब मिलेगा। आइए देखते हैं इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा है। बची नहीं, अब देखिए इधर आप एक सप्ताह का देख लीजिए अखबार निकाल कर करके, रोज अपहरण की घटना, रोज अपहरण की घटना, बताइए जरा ये खत्म हो चुका था फिर से शुरू। आप जरा समझिए कि आज ही मैं देख रहा था, हंसी भी आती है कि दरोगा को साहब लूट ले रहा है। अब बताइए दरोगा को भी अगर लूट लेगा जी, राजनी कर लेगा, भागलपुर में कहीं नौगछिया में किया है, ये क्या दिखाता है? जो सरकार का इकबाल है ना, बिल्कुल समाप्त हो चुका।
वहीं सहरसा में बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी हर घर नल योजना के तहत पीने का पानी नहीं मिल रहा है, जिससे लोग गंदा पानी पीने को मजबूर है। इसको लेकर स्थानीय लोगों ने बताया कि जब से सरकार द्वारा हर घर नल योजना की शुरुआत की गई है, तब से पीने का पानी नसीब नहीं हुआ है। आपको बता दें कि बिहार सरकार का दावा है कि बिहार के लोगों को घर घर पीने का पानी पहुंचाया गया है, जो हवा हवाई साबित हुआ नजर आया। पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, जो नल जल को जो है ले करके एक मुहिम चला रहे हैं, इसके लिए आपको हम दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारा चंदौर पंचायत जो है, यहाँ पे जो भी दलित और महादलित बस्ती है, वहाँ पे एक भी नल जल मतलब कि नहीं चल रहा है। टंकी कहीं गरा हुआ है, कहीं जो है पाइप फटा हुआ है, लेकिन पानी जो है नहीं निकल पा रहा है। सरकार के द्वारा लाखों की लागत से नल जल पानी टंकी बन के तैयार है, लेकिन पीने के लायक एक भी नल जल यहाँ पे नहीं है। सुपौल में पुलिस को सफलता मिली है। कुछ दिन पहले हुई फाइनेंस कर्मी से राह चलते अपराधियों ने लूटपाट की थी, जिसके बाद फाइनेंस कर्मी ने पुलिस से शिकायत की थी। इसी घटनाक्रम का पुलिस ने खुलासा किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने दो आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। अररिया के रानीगंज के रहने वाले थे, वो माइक्रो फाइनेंस कंपनी से में काम करते थे। वो अपना आ रहे थे तो उनसे जो है 3100 रुपया और उनका एक मोबाइल ले लिया गया था, और साथ में एक अभियुक्त जो था वो वादी के से मोबाइल फ़ोन से लेकर के और पेटीएम के थ्रू जो है पैसा भी ट्रांसफ़र कर लिया। तो इस कांड का उद्भेदन हो गया है, और एक अभियुक्त को हम लोग पहले भी भेजे थे और दो अभियुक्त को अभी जो है हम लोग गिरफ्तार किए हैं। सहरसा में पुलिस अधीक्षक लिपे सिंह ने प्रेस वार्ता आयोजित की और पुलिस अधीक्षक ने अपहरण की घटना का खुलासा किया। खुलासा में सामने आया कि युवती का अपहरण नहीं बल्कि प्रेम प्रसंग में घर से वो भाग गई थी। वहीं उन्होंने कहा कि सड़क जाम करने वाले लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया और आगे की अब कार्रवाई भी की जाएगी। काल्पनिक नाम कोमल कुमारी, जो कि 18 साल से ऊपर उम्र की है, वो अपनी साइकिल से चली गई है। तथाकथित एक अपहरण का केस दर्ज कराया गया परिजनों के द्वारा। अनुसंधान के क्रम में लड़की को बरामद किया गया है सकुशल, साथ में उसके प्रेमी को, जिसके साथ उसने विवाह कर लिया है। इनकी बरामदगी सिंघिया थाना क्षेत्र से हुई है। लड़की ने बताया कि 2 वर्ष से उसका प्रेम प्रसंग का मामला चल रहा था, साथ में उन्होंने कोर्ट मैरिज और मंदिर में भी शादी कर ली गई। नवादा में राशन वितरण में करप्शन के खिलाफ पिछले महीने विधायिका विभा देवी ने धरना दिया था, फिर कुछ दिन बाद जिला पदाधिकारी ने विधायिका से बातचीत कर धरने को समाप्त करा दिया था। लेकिन बीते महीने धरने के बाद भी आज भी राशन वितरण में करप्शन देखने को मिल रहा है। बता दें कि बिहार राज्य खाद्य निगम के प्रखंड कार्यालय के गोदाम में रखे राशन में बड़ी गड़बड़ी देखने को मिली है। या तो सबसे आसान तरीका इसका ये होता है, तो हम लोग बाकी में भी जगह पे जहाँ पर राउंड किए हैं वहाँ पे CCTV लगा देते हैं, ताकि आप अगर देखना चाहें तो सीधा समय कभी भी देखें। एक जो होता है सिस्टम को ठीक करने की, तो बात वो वाला चीज़। बाकी अगर ये है कि हाँ कोई पर्टिकुलर डीलर है, कोई एक आदमी है जो ऐसे कर रहा है, तो या फिर सारे कर रहे हैं वही मैम, वही मैडम, वही मैं बता रहा था कि अगर जो हम लोग क्या किए थे कि गोदाम में पे CCTV लगा देते। नवादा में फर्जी लेबर इंस्पेक्टर बनकर एक युवक ने लोगों के मकान मालिकों को नोटिस देने के नाम पर उनका नाम पता और मकानों की जानकारी करता था, और इसके बाद लोगों से कहता था कि कार्यालय में आकर राशि जमा करें। जब मकान मालिकों ने लेबर इंस्पेक्टर से नाम पूछा तो फर्जी लेबर इंस्पेक्टर ने कहा कि कार्यालय में बैठता हूँ। इसके साथ ही कहने लगा कि राशि जमा नहीं की तो कार्रवाई की जाएगी करके, और अभी तक ले धीरे धीरे चल रहा है, जब पैसा होता है तब बनाते हैं, धीरे धीरे बैंक से लोन ले करके कभी ये नहीं करके बना रहे हैं। जैया से एको मेरा तो नोटिस नहीं आया। मतलब आप सीधे तौर पे जान सकते हैं कि ये लोग बैंक से लोन ले करके जैसे तैसे जेवर
गहना को गिरवी रख करके बैंक से लोन उठाते हैं और लोन उठाने के बावजूद बिल्डिंग बनाते हैं। जैसे जैसे पैसा इकट्ठा होती है वैसे वैसे अपना निर्माण करते हैं। पूछ रहे हैं आप, बता रहे हैं एक क्या बता रहे हैं आप? हम जो काम से आए उसका इन्फॉर्मेशन आपको दे चुके हैं। जैसे सपोज दैट ये बिल्डिंग 2021 से चल रही है, आईटीआई 2021 से कब कितने बार आए नोटिस करने के लिए? उससे नहीं ना मतलब है। जब विभाग से मतलब है, जब विभाग का आदेश आता है तभी आ सकते हैं। विभाग का आदेश, आप परमानेंट इसी विभाग से हैं तो फिर क्यों नहीं आए आप? आप पूछिएगा कौन। नालंदा में अज्ञात वाहन की चपेट में आकर एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई, वह पुलिस मृतक की पहचान भी कर ली है। घटना की जानकारी मृतक के परिजन को दी गई। इस घटना से परिजनों में मातम पसर गया है, जिसके साथ ही पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की अब जांच पड़ताल में भी जुट गई है। गए थे मतलब दुकान पे कुछ हिसाब किताब करने। क्या चीज का दुकान था? काम करते हैं, अंडा चौमिन का दुकान है, वहीं पे काम करते हैं। कहाँ? यूनिवर्सिटी गेट नंबर 2 पर। तो हिसाब किताब करके लौट रहे थे। ये घटना कहाँ हुआ है? घटना हुआ है यूनिवर्सिटी गेट नंबर 2 के कुछ दूरी पर। क्या चीज़ से? हम कुछ बता नहीं सकते, हम जैसे हुआ एक्सीडेंट। खबर नालंदा से है, जहां युवक ने खुदकुशी कर ली है। आपको बता दें कि युवक की एक साल पहले शादी हुई थी और एक दिन दोनों के बीच कुछ अनबन हुई, जिसके बाद युवक ने अवैध हथियार से गोली मारकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। वही घटना के वक्त घर पर कोई भी मौजूद नहीं था और घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अब मामले की कार्रवाई में जुट गई है। लेकिन अब क्या इसका मजबूरी हुआ इसे हम नहीं कह सकते। कुछ भी बात होता था शेयर करता था और बहुत अच्छा नेक इंसान था ये। कभी मैंने इसको कभी भी बात कीजिएगा, कोई भी व्यक्ति बात करता था ना तो हंस से बात, मैंने हंस के बात करता था, मैंने कभी टेंशन में नहीं रहता था। लेकिन अब हाँ क्या मैटर हुआ, आवाज ही है, मैंने घर गया है, घर के बाद ही घटना है। हम तो अपने गैस एजेंसी में काम करते हैं, वहां रहते हैं, तो घटना हमको गाँव से आया कि भाई छोटू गोली मार लिया। खबर नालंदा से है, जहां पुराने मकान की छत गिरने से एक किशोर की मौत हो गई और घटना के संबंध में मृतक के परिजन ने बताया कि किशोर अपने घर के छत पर परिवार के साथ मौजूद था, तभी अचानक भरभराकर छत गिर गई और मलबे के नीचे आने से किशोर की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक और सदस्य भी बुरी तरीके से घायल हो गया। वही कई परिवार के लोग बाल बाल इस हादसे में बच गए। क्या हुआ था? तो दबा हुआ थे कि रास्ता से कोई फिर खंती से निकाल रहा था, उसके बाद प्रशासन भी पहुँचे हमारे सामने। उसके बाद कैसे दब गया था बच्चा? जब बच्चा छत पर बैठा था ठीक, अचानक गिर गया और बेचार को आउट था, उनको माँ भी था तो उनको गिरा और जब गिरने से फिर डर गया। मतलब पुराना घर था और मतलब मिट्टी से दीवार था और ऊपर सब लोग बैठे हुए थे, तो पहले एक गिरा चट्टान, उसके साथ वो गिरा, उसके ऊपर गिर गया पूरा छत। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। सियासी दिग्गजों से जानेंगे राजनीतिक दांवपेच, अफसरशाहों से मिलेगी अंदर की जानकारी, सांसद से लेकर विधायक तक, आईएएस से लेकर आईपीएस तक सबसे होगी बात। शख्सियत शनिवार और रविवार शाम 7 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर।
एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चलिए रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर, जहां अपराधियों के हौसले बुलंद हो चुके हैं। अपराधी एक के बाद एक बड़ी वारदातों को अंजाम देकर लगातार पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। ताजा मामला मुजफ्फरपुर में काटी थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां डॉक्टर एसपी सिंह के बेटे का अपराधियों ने अपहरण कर लिया और अपहरण की सूचना से इलाके में हड़कंप मच गया और ये पूरी सूचना पुलिस को दी गई और पुलिस अब हर तरीके से जांच पड़ताल में जुटी हुई है। नहीं, 4:45 के आसपास फोन आया है कि जे मतलब हमको ऐसे जानकारी तो लोग को हो गया था, हमको फोन आया है कि जे जाऊँ रेस्टोरेंट में जा रहा था ना, और जो आदमी बुलाया था वो फोन किया है कि वो रेस्टोरेंट नहीं पहुंचा है। अच्छा। नहीं पहुंचा था, हम लोग बोले कि उसके फोन पर फोन करो, तो फोन किया है तो बोला स्विच ऑफ है, फिर हम लोग फोन करने लगे हैं। खबर मोतिहारी से है, जहां उत्पाद अधीक्षक ने गुप्त सूचना पर एक बड़ी कार्रवाई की है। जी हां, उत्पाद पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में जेसीबी ऑयल को छुपा कर रखा था, वही भारी मात्रा में कच्चा स्प्रिंट भी बरामद किया है। पुलिस ने छापेमारी में संलिप्त 4 युवकों को हिरासत में लिया है, इसके साथ ही एक कंटेनर और पिकअप वाहन को जब्त कर अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। अवैध रूप से जो है कंटेनर में सुसप जो है उतर रहा है, इस पर हम लोग अचानक टीम बनाने के बाद जो है यहाँ पे हम लोग छापामारी के क्रम में लगभग 4 आदमी जो है वो उपस्थित पाया गया, जो कंटेनर का ड्राइवर है और ये पिकअप का भी वो ड्राइवर और तासीम है। उसमें जो है चेक किया गया, उसमें आपको फाइव जी के लॉन्च के साथ एयरटेल ने भी अपनी 5G सर्विस को भारत में पेश किया है, जिसके बाद हर जगह पर धीरे धीरे भारतीय एयरटेल टेलीकॉम कंपनी एयरटेल यूजर्स को तोहफा दे रही है। लोगों को अब इंटरनेट कनेक्शन की रफ्तार भी बढ़ी हुई मिलेगी, वह यूजर अब एयरटेल 5G के जरिए इंटरनेट के माध्यम से होने वाली सभी कामों को आसानी से कर सकेंगे। इसके साथ ही मौके पर कंपनी के तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। जो ड्राइवर हम लोग ट्रैकिंग कर रहे हैं, क्योंकि और साथ हम सब लोग धन्यवाद देंगे हमारे जनरल सर जो है, हमारे पीएम सर, जितने सर्कल जितने हम सभी लोग टीम के मेंबर्स हैं, धन्यवाद देता हूँ आप सभी लोगों का। और साथ ही साथ हमारे पिछली ये उप मेयर है ना हमारे, और उनके लिए भी जोरदार क्लैपिंग हो जाए को गति देने के लिए, जो आप लोगों का ये साहसिक कदम है निश्चित ही काबिल तारीफ है, और हम लोग इसे मुक्त कंठ से स्वीकार करते हुए आप सभी को इस कार्य को आगे बढ़ाने हेतु अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। समस्त विद्या वासियों की तरफ से, समस्त जिले वासियों की तरफ से और नगर निगम परिवार की तरफ से आप सबको हार्दिक। बिहार के आरा में नगर निगम के 2 पानी टैंकरों की चोरी को लगभग 1.5 महीना बीत गया है, पर आज तक उसकी बरामदगी नहीं हो सकी है। निगम के ट्रैक्टर चालक ने इसकी शिकायत पुलिस से की थी और नगर आयुक्त के निर्देश पर चालक ने प्राथमिकी दर्ज करने हेतु आवेदन भी दिया था। के टाइम में हम लोगों का 2 टैंकर रमना मैदान में लगा हुआ था, उसमें कार चल रही थी और उसी समय दोनों टैंकर वहाँ से गायब हो गए हैं। इस संबंध में प्राथमिकी स्थानीय थाने में दर्ज की गई है, पुलिस भी इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही कुछ फलाफल मिलेगा। इस संबंध में थाने से भी बात की है, भी आश्वासन दिया है कि मुझे जानकारी नहीं है, और अगर इसमें FIR हुआ है तो तत्काल इसका जो हम लोग शहर में जांच करा रहे हैं, हाँ उसकी हम लोग जो जांच करवा रहे हैं, और चोरी हुआ है कि या और कोई बात है। और अभी आप लोगों को बता दें कि शहर में जो है अपराध नियंत्रण अन्य दृष्टिकोण से जो है कई CCTV कैमरे भी लगाए हैं गए हैं जो अच्छी क्वालिटी के हैं, तो हम लोगों की टीम उसमें काम करके CCTV वगैरह से जो भी होगा हम लोग उसमें निकालेंगे। अगर बिहार के चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप ने पुलिस के सामने आखिरकार सरेंडर कर दिया है। दरअसल पुलिस मनीष कश्यप के पश्चिम चंपारण स्थित डुमरी गांव में कुर्की जब्ती की कार्रवाई के लिए पहुंची थी। इससे पहले ही उच्च न्यायालय में मनीष कश्यप की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। बता दें कि मनीष कश्यप पर कुल 7 आपराधिक मामले दर्ज है, इनमें से केवल 1 मामले में मनीष को जमानत मिली है, जबकि 5 मामलों में आरोप पत्र दाखिल भी किया जा चुका है और एक अन्य मामला में पटना हाईकोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत याचिका को खारिज किया जा चुका है।
के द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही थी और साथ ही साथ बेतिया ज़िले में भी एक केस पेंडिंग था जिसमें जो लीगल प्रोसीजर था वो आगे बढ़ रहा था और कल उसकी कुर्की निकाली गई थी और आज सुबह में उसकी कुर्की भी की जा रही थी और कुर्की भी कंप्लीट हो गया है। तो लगातार यूयू के द्वारा की जा रही लगातार छापेमारी और बिहार पुलिस के दबाव में फाइनली आज जगदीशपुर थाने में मनीष कश्यप के द्वारा सरेंडर किया गया। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है जहां सांसद ने कंप्यूटर लैब का फीता काटकर उद्घाटन किया। वहीं सांसद ने कहा कि पंचायत के विकास और यहां के लोगों को होने वाली परेशानी को देखते हुए गांव में कंप्यूटर लैब का शुभारंभ किया है। वहीं मुखिया प्रतिनिधि ने बताया कि सांसद सुनील कुमार ने क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता देते हुए कंप्यूटर लैब की शुरुआत की है और कंप्यूटर का लैब लगवाए हैं मेरे यहाँ पंचायत विद्यालय हरदिया में और उनका भी उद्घाटन कंप्यूटर उन्हीं का देन है। बच्चे बच्चियों की बहुत सुविधा और सहूलियत मिली और साथ ही में मैंने एक सामुदायिक भवन का भी निर्माण कराया उसका भी उद्घाटन उनके हाथों किया गया है। भी काम जो है बिना कंप्यूटर का अधूरा है, इसी कड़ी में जो है हरदिया में हम लोग जो है सीएसआर योजना अंतर्गत जो है दस कंप्यूटर लैब यहाँ पर लिए हैं और हम चाहेंगे प्रिंसिपल साहब से कहेंगे उसका उचित रख रखाव और जो भी टीचर का दिक्कत है। आरा में जमीनी विवाद को लेकर एक युवक को गोली मार दी गई और जख्मी युवक को गोली दाहिने पैर में लगी है। वही गोली लगते ही वो जमीन पर गिर पड़ा जिसके बाद परिजन द्वारा उसे आनन फानन में इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया जहां उसका इलाज लगातार जारी है, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई और पुलिस अब मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है। जिसमें दोनों पैर के घुटने के पास जो है ना गोली लगी हुई है, एक गोली जो है कि बाहर हो चुका है और बाकी का एक्सरे करवा रहे हैं देखने के लिए। सर पेशेंट की हालत क्या है? पेशेंट स्टेबल है ना, उसको रेफर कर दिया गया है। हाँ, उसको रेफर कर दिया गया है। ठीक पश्चिम 10-15 कदम आगे रजिंदर माइटर राकेश सिंह आज जिस आदमी गोले खोजे अपन ईटा उटा जोड़ा हम लोग कहे के मतलब तब ओकर बाद में रुकल गेल ओकर बाद में आना थूने करत करत कहे के मतलब गेहूँ में सिकल के आना थूर आना धूर फायर कर दिलल कहे के मतलब करीब 15-20 के संख्या में रहना मारे के हाँ धोबड़िए के पूरा रास्ता तो हम कहीं बात किए नहीं है हम इनको बचाने के चक्कर में मालूम है कि वो लोग के जमीन के विवाद है। ठीक है, वो जमीन के विवाद पर वो लोग मतलब रोकने के लिए ये लोग है कि अभी काम मत लगाइए, जो भी है कानूनी स्तर से हम लोग समझ लेंगे। बिहार की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश भर की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ।